एक महीने बाद मोसाद एक प्रस्ताव लेकर आई जिसका तत्काल विरोध हुआ। इसमें मोसाद ने पहले की तरह IDF से मदद मांगी थी, जैसे कि वो पहले के ऑपरेशंस में करते आए थे। दरअसल निगरानी से पता चला कि शकाकी गद्दाफी से नियमित संपर्क में था और उसके पास इब्राहिम नाम से लीबिया पासपोर्ट भी था और वो अकेले या बाकी आतंकवादियों के साथ अक्सर लीबिया के तानाशाह से मिलने जाता था। उस समय आतंकवाद में शामिल होने के कारण लीबिया पर हैवी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए थे और अधिकांश एयरलाइंस वहां उड़ान नहीं भरती थी। इसीलिए शकाकी बेरूत से लीबिया के लिए उड़ान भरता था और फिर एक लग्जरी कार जो आमतौर पर BMW या जैगुआर होती थी उससे त्रिपोली तक 480 मील की दूरी खुद तय करता था। ऐसे में हाईवे पर बम लगाना सही लग रहा था।